आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर से कीर्तिमुख शर्मा, आपका फिर से कक्षा अष्टमी विषय अंग्रेजी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है हमारे, जो कल हमने प्रोनाउन का एक प्रकार पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था। इस प्रकार से हमारी कक्षा में 5 प्रकार के प्रोनाउन हैं। चलिए आगे अगले प्रोनाउन के बारे में चर्चा करते हैं। 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो हमने सारणी में रिफ्लेक्सिव केस पढ़े थे वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं, अर्थात निजवाचक सर्वनाम। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट होता है उसका जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसा हमने चार्ट में देखा भी है, जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, ही पहले वाक्य में करता है, इसका रिफ्लेक्सिव केस है हिमसेल्फ। तो निजवाचक कैसे होगा वाक्य में प्रयोग करते हैं तो, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं को कहा। अर्थात ही जो सब्जेक्ट है उसी का रिफ्लेक्सिव केस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। दूसरे वाक्य में देखते हैं हम, दूसरे वाक्य में आया है कर्ता दे, तो दे का देम सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस होता है। वाक्य में प्रयोग होता है तो किस तरह होगा, देखो, दे आर एब्यूजिंग देम सेल्फ, वे अपने आप को गाली दे रहे हैं। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में करता है सी, सी का रिफ्लेक्सिव केस होता है हर सेल्फ। अब इसमें वाक्य में इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं, सी अंडरस्टैंड्स हर सेल्फ ए हीरोइन, वह स्वयं को एक अभिनेत्री समझती है। चौथा वाक्य है जिसमें यू करता है और यू का रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ, अर्थात वाक्य प्रयोग करते हैं तो किस तरह होगा, देखो चौथे नंबर एग्जांपल में देखते हैं, यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ, तुम स्वयं से बात कर रहे हो। इस प्रकार से हमने देखा प्रोनाउन का दूसरा प्रकार है रिफ्लेक्सिव केस। आइए तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा प्रकार है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोंस्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना या संकेत देना, संकेतवाचक सर्वनाम, हिंदी में इसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी संज्ञा की तरह संकेत करता है, यानी कोई संज्ञा की तरफ संकेत करके बताता है, अगर नज़दीक है तो दिस एक वचन के लिए और दैट दूर के लिए एक वचन के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार दीज बहुवचन के लिए, नज़दीक बहुत सारी वस्तुएं होने पर दीज से संकेत करते हैं, दोज बहुत सारी वस्तुएं होने पर दूर से संकेत करने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है दिस इज आवर हॉर्स, दिस नज़दीक है और एक वचन है इसलिए दिस का उपयोग किया गया है। दैट इज ए हाई हिल, दैट का मतलब दूर है लेकिन एक ही पहाड़ी है, तो एक वचन होने से दैट का उपयोग किया गया है। इससे संकेत करके बताया जाता है
कि वह दूर जो पहाड़ी है वो बहुत ऊंची है। पहले वाक्य में ये घोड़ा जो है हमारा है, यानी संकेत करके बता रहे हैं। इसी प्रकार अब बहुवचन के कुछ उदाहरण देखते हैं। बहुवचन में देखते हैं तो दीज आर ग्रेट बुक्स, तीसरा एग्जाम्पल है दीज आर ग्रेट बुक्स, ये बहुत महान किताबें हैं, यानी बहुत सारी हैं और नज़दीक हैं, इसलिए प्लूरल के लिए इसका उपयोग हुआ है दीज आर ग्रेट बुक्स। जैसे तीन नंबर वाक्य में बुक्स ये नाउन को प्लूरल बता रहा है, ऊपर वाले दोनों वाक्यों में हमने देखा है हॉर्स और ए हिल एक जो है एक वचन को प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार चौथे एग्जाम्पल में देखेंगे दोज का उपयोग हो रहा है, दोज बहुवचन के लिए लेकिन दूर के लिए, दोज आर सेवन स्टार्स। अब देखिए स्टार्स नाउन है, बहुवचन है, इससे ये पता चलता है दोज का उपयोग होने से कि वो दूर के लिए हमको संकेत करके बता रहे हैं कि वो जो है सात तारे हैं। इस तरह से ज़्यादातर प्रयोगशालाओं में प्रदर्शन करने के लिए इनका उपयोग दिस दैट दीज दोज का हम कर सकते हैं और किया भी जाता है। आगे चलते हैं, चौथा प्रोनाउन का प्रकार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिनसे प्रश्न बनते हैं, ऐसे प्रोनाउन को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो उदाहरण के तौर पर हु कौन किसने, हुम किसको, व्हाट क्या, विच कौन सा, या कौन सी कौन से बहुवचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। ये तो इंट्रोगेटिव के कुछ उदाहरण हुए, चलो इनका वाक्य में प्रयोग और देखते हैं। आइए आगे चलते हैं वाक्य प्रयोग। देखिए पहला वाक्य है उसमें हु इंट्रोगेटिव का उपयोग हुआ है, हु रॉट द रामायण। रामायण के बारे में पूछा गया है कि ये किसने लिखी, यानी प्रश्न बन रहा है और प्रश्नवाचक प्रोनाउन के रूप में हु का उपयोग हो रहा है वाक्य में। दूसरे वाक्य में हम देखते हैं हुम का उपयोग हो रहा है, किसको, हुम आर यू टीचिंग, तुम किसको पढ़ा रहे हो, टीचिंग मीन्स पढ़ाना, यानी हुम से जो बना है प्रश्न वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है हुम। व्हाट आर ही ईटिंग, तो व्हाट यहाँ प्रश्न बना रहा है तो ये प्रश्नवाचक प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार विच इज योर बैग, आपका बस्ता कौन सा है, आपका बैग कौन सा है, ये वाक्य प्रयोग हुए। आइए आगे चलते हैं अगले पांच नंबर प्रोनाउन के लिए। पांच नंबर प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन व्यक्ति के बीच पारस्परिकता का बोध कराएं या कराते हैं उनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कुछ दो उदाहरण दिए गए हैं आपके सामने, पहला दिया है ईच अदर, आपस में या एक दूसरे के लिए, लेकिन ये ध्यान रखना है ईच अदर का उपयोग दो व्यक्ति दो वस्तुएं हों उनके लिए ही किया जाता है, जैसा कि यहाँ संकेत किया गया है दो के लिए, अर्थात आपस में दो के लिए ईच अदर का उपयोग करेंगे, ये विशेष ध्यान रखना है।
दूसरा है वन अनोदर, ये भी आपस में या एक दूसरे के लिए होता है, लेकिन इसमें अंतर कितना है, पहले वाले वाक्य में जो ईच अदर जो बताया गया है उदाहरण, वो दो के लिए होता है, लेकिन यहाँ दो से अधिक व्यक्ति वस्तु होने पर इसका उपयोग होता है। देखिए वाक्य प्रयोग करके और देखते हैं हम लोग, आइए वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला उदाहरण है हमारे, उदाहरण नंबर एक है, राम एंड श्याम लव ईच अदर। यहाँ पर हम देखेंगे राम एंड श्याम, ये दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति होने से परस्परता का भाव बताना है, इसलिए ईच अदर का उपयोग किया गया है। और यह संकेत भी किया गया है दो, यानी दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर। हमेशा वाक्य में जब प्रयोग हो रहा हो और वहाँ खाली जगह दी हुई हो तो हमें ध्यान रखना है, अगर दो व्यक्ति आए हैं तो ईच अदर का उपयोग करेंगे। दूसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें दो से अधिक का उपयोग होता है, जैसे दिया हुआ है द फाइव बॉयज, फाइव बॉयज यानी पांच लड़के, यानी दो से अधिक। आस्क वन अनोदर, एक दूसरे से पूछते हैं, आस्क वन अनोदर। इस प्रकार से हमने देखा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर वाचक सर्वनाम जिसमें ईच अदर और वन अनोदर दो का प्रयोग हमने देखा। आज के अध्याय में हमने प्रोनाउन के पांचों प्रकार के बारे में पढ़ लिया है। अब आगे कल हमने जो पढ़ा था और आज जो हमने पढ़ा है, इसकी कुछ आपको एक्सरसाइज अभ्यास दिया जा रहा है। आइए चलते हैं अभ्यास के लिए। देखिए कल जो हमने पढ़ा था उसके अनुसार हमको शब्दों के अगर प्रकार एक साथ दिए आएँ तो हमें उनमें प्रोनाउन देखना आना चाहिए। लिखा है प्रश्न, पिक आउट प्रोनाउन फ्रॉम दीज वर्ड्स। सबसे पहले लिखिएगा प्रोनाउन और फिर जो प्रोनाउन है इससे आपको ये ज्ञात होगा कि आप प्रोनाउन पहचानना जानते हैं कि नहीं। पहला शब्द है बर्ड, ये प्रोनाउन नहीं है। प्रोनाउन के स्थान पर काम में आता है इट, यानी नाउन के स्थान पर इट का उपयोग किया जाता है, तो एक ये प्रोनाउन है। इसी प्रकार प्रोनाउन की सारणी में हमने देखा वो नहीं है, ये क्रिया है हर, ये भी एक प्रोनाउन का प्रकार है। अब हमने देखा कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन है दीज, तो ये भी प्रोनाउन का एक प्रकार है दीज, इसलिए दीज को भी हम लिखेंगे। इस प्रकार से कुछ शब्दों का समूह दिया गया है, इसमें से हमको प्रोनाउन छांट करके प्रोनाउन के सामने बराबर करके लिखने हैं, जिससे हमें ये ज्ञात हो कि हमने जो पांच प्रकार प्रोनाउन के पढ़े हैं वो हमारे समझ में आए कि नहीं आए, एक तरह से अभ्यास कार्य हुआ। प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो में बहुत ही सरल प्रकार है, नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। जैसे बोल्ड लेटर्स में जो दिए गए हैं वो नाउन है। अब हमें ये पता करना है कि इस नाउन की जगह कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त होगा।
जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, पुष्पा इज राइटिंग ए लेटर। तो यहाँ पर हमको जो पुष्पा शब्द दिया है ये एक नाउन है और पुष्पा एक स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए हम कौन से प्रोनाउन का उपयोग करेंगे ये सोचना होगा। तो हमने देखा था कि स्त्रीलिंग के लिए वुमेन के लिए सी प्रोनाउन का उपयोग होता है, तो पुष्पा की जगह सी लिख कर के वाक्य वापस लिखेंगे, सी इज़ राइटिंग ए लेटर। बात एक ही है, यहाँ पुष्पा सीधा नाउन के बारे में बताया गया है, अब प्रोनाउन का उपयोग करना है तो यहाँ पर सी का उपयोग करेंगे। इसी प्रकार वाक्य नंबर दो में दिया है मिस्टर शर्मा, अब आपको पता करना है मिस्टर शर्मा की जगह कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त हो सकता है। तीसरे वाक्य में दिया है द काउ, तो द काउ की जगह कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त होगा। ये तीनों वाक्यों के अंदर हमने देखा एक दो और तीन में सब्जेक्टिव केस आना है। उसके बाद चौथे प्रकार के वाक्य में क्रिया के बाद मोहन आया हुआ है, बोल्ड, ये बोल्ड लेटर है। इस मोहन को आई शैल नॉट बीट मोहन, तो मोहन नाउन है, इसकी जगह ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउन आएगा वो लगाना है। इसी प्रकार रवीज आंट, तो आंट नाउन है और रवीज है, तो हमें ये पता करना है कि रवि की चाची, संबंधवाचक कौन सा प्रोनाउन है जो रवि यानी मैन के लिए यानी पुरलिंग के लिए प्रयुक्त होगा। इसी प्रकार छः नंबर वाक्य में दिए हुए हैं दोनों प्रकार के प्रोनाउन बताने हैं, सब्जेक्टिव केस में कौन सा आएगा और ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा आएगा। सातवें वाक्य में दिया हुआ है पवन और शीला, इसमें भी दो केस हैं, दोनों केसों में हमें पता करके ये लिखना है कि कौन सा प्रोनाउन आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारणी को आप कंठस्थ करेंगे तो इस तरह के अभ्यास कार्य करने में बहुत लाभ मिलेगा, आगे भी बहुत अधिक लाभ मिलने वाला है, इसलिए हम सारणी को कंठस्थ करें, ध्यान से पढ़ें, इस अभ्यास को करेंगे तो आधा कार्य हमारे समझ में आ जाएगा, आधे प्रोनाउन हमारे समझ में आ जाएंगे। बार बार अभ्यास करने से जो है प्रोनाउन हमको याद हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।